हे फ्रेंड्स, हाउ टू फील स्टेट ऑफ लव विदाउट एनी वन और एनी थिंग राइट नाउ। अभी आप स्टेट ऑफ लव को फील कर सकते हैं, पूरी तरह से खुश हो सकते हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, आप हर परेशानी से दूर हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, बिना किसी मेडिटेशन प्रैक्टिस के। इट्स वेरी सिंपल, बस लॉजिकल बात नहीं है, दिमाग में समझने की बात नहीं है, दिल में उतरने की बात। सो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट फील इट। वीडियो नहीं होगा, सिर्फ ऑडियो होगा, और इसमें एक ही जैसी बातें बार बार रिपीट भी होंगी, बट डोंट वरी, ये नेसेसरी है। इफ़ यू कैन फील, यू विल बी डेफिनेटली इन स्टेट ऑफ लव। आई डोंट नो मैं अभी जो फील कर रहा हूँ उसे आपसे सही से कम्युनिकेट कर पाऊँगा या नहीं, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और आप भी जो मैं कह रहा हूँ इसे सुनकर, इसे प्रैक्टिकली करने की कोशिश करना, सिर्फ सुन के छोड़ मत देना, उससे तो कुछ नहीं होगा। स्टेट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस को अभी फील करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि सबसे पहले आप किसी ऐसे स्थान पर जाइए जो आपके लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बारिश का मौसम है यार, बाहर निकलिए, ठंडी हवाएं चल रही होंगी, आसमान में बादल होंगे, ऐसी जगह पे जाइए जो पहले से खुशनुमा हो, जिस माहौल में आपका मन पहले से खुश हो जाए और थोड़ा सा हल्का हो जाए। या फिर और कहीं नहीं तो छत पे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे डिस्टर्बेंस कम से कम हो। और उसके बाद वहाँ जाकर कोई मैट वगैरह डालकर आराम से लेट जाएं, जस्ट रिलैक्स। और खुद से बोलें, जस्ट रिलैक्स, आराम से लेट जाएं, कुछ नहीं करना, कोई आसन नहीं, कोई पोज नहीं, बस लेट जाएं और खुद को बोलें, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और सिर्फ आधा घंटे के लिए अपनी सारी परिस्थितियों से फ्री हो जाएं, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपकी परेशानियां हैं या फिर जो भी आपकी खुशियां हैं, सब कुछ, उन सब कुछ को भुला दें। खुद को बोलें कि सब कुछ भूल जा, आधा घंटे तो छुट्टी पे, हर परेशानी को भूल जा, हर खुशी को भूल जा, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जा, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाए। एक बच्चे की तरह, एक बच्चा होता है ना छोटा सा, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो एकदम फ्री होता है, एकदम फ्री, उसको कुछ नहीं करना होता। ऐसे खुद को सोचे, और सोचे नहीं, वास्तव में आधा घंटे के लिए एकदम बच्चे की तरह हो जाए कि हमें कुछ नहीं करना, सोचना भी नहीं, कुछ नहीं करना। यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे ऐसा ही तो मेडिटेशन में भी होता है। नहीं, मैं आपको मेडिटेशन के लिए भी नहीं बोल रहा, मेडिटेशन भी अलग अलग टेक्निक से हम करते हैं, ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, थॉट्स पे ध्यान देते हैं। नहीं, आपको थॉट्स को भी नहीं देखना, नहीं आपको ब्रीदिंग को भी नहीं देखना, आपको केवल फ्री हो जाना है हर चीज़ से, अपने पास्ट से, फ्यूचर से, और यहाँ तक कि प्रेजेंट से। आपको प्रेजेंट मोमेंट में भी नहीं रहना, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना, जो भी थॉट दिमाग में है जिसके बारे में भी, आप कहें जस्ट रिलैक्स, नहीं जस्ट रिलैक्स, मैं इससे भी फ्री हूँ। वातावरण में, आसपास के एनवायरमेंट से कोई आवाज़ें आएँ, सुनाई दे रही हैं, कान बंद नहीं करने, रोकना नहीं, सुनना भी नहीं, ध्यान ही नहीं देना, आप उनसे फ्री हो। आपके शरीर में, आपकी बॉडी में कोई सेंसेशंस हो रही है, आप उनसे भी फ्री हो आधा घंटे के लिए। आपको कोई बीमारी भी, आपके पाँव में दर्द भी हो रहा है, तो भी आधा घंटे के लिए उससे फ्री हो सकते हो। बस आधा घंटे की बात है, पूरे दिन नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी शिद्दत से निभाइए, पूरी लगन से काम कीजिए, अपने पास्ट एंड फ्यूचर को पूरी इज्जत से संभालिए, लेकिन सिर्फ आधा घंटे के लिए, खुद के लिए, बस फ्री हो जाइए। जैसे कि आप छुट्टी पे आए हो, सारे काम छोड़कर, जैसे ऑफिस से निकलते हो, सारे काम वहीं छोड़ देते हो, वैसे ही लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ छोड़ दो एक बार, कुछ समय के लिए। अपनी आइडेंटिटी भी छोड़ दो, अपना जो नाम जिससे लोग आपको जानते हैं उसे भी छोड़ दो। बाकायदा बोलो खुद से कि मैं वो भी नहीं, मैं भी नहीं, आई एम फ्री फ्रॉम माई सेल्फ। यस, बी फ्री फ्रॉम योर सेल्फ, ऐसा बोलें खुद को और फील करें इसको। और देखें इस नेचर को, ये फूल, ये पत्ते, ये पेड़ पौधे सब खड़े हैं अपनी अपनी जगह, इन्हें कहीं नहीं जाना, इन्हें कुछ नहीं करना। आप भी एक बार यही सोच लो कि आपको कुछ नहीं करना, केवल 30 मिनट के लिए बस खुद को ये बोलते रहो कि मुझे कुछ नहीं करना, सीरियसली मुझे कुछ नहीं करना, मुझे खुशी भी नहीं चाहिए, मुझे दुख भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे इनलाइटमेंट, निर्वाण या मोक्ष वगैरह भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान भी नहीं चाहिए, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा कोई गोल नहीं है। कुछ देर के लिए यूजलेस हो जाओ। जब आप खुद से बोलेंगे बार बार तो ये हो जाएगा, आप उस स्टेट में आसानी से चले जाओगे, क्योंकि यही सच है, वास्तव में हमारा कोई गोल है ही नहीं, ये नेचर ऐसे ही चल रही है, बस स्टार्ट हो गई प्रकृति और हम सब बन रहे हैं, मिट रहे हैं, चल रहा है सब यार, फील करो इसे, अलग नहीं, हम सब कनेक्टेड है, पूरी तरह से कनेक्टेड है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, फील करो इस चीज़ को। और चलो ये भी फील नहीं होता, इसे भी छोड़ दो कि मैं इस कनेक्शन से भी फ्री हूँ, मैं इस नेचर से भी फ्री हूँ, मैं इस यूनिवर्स से भी फ्री हूँ, मैं कुछ भी होने से फ्री हूँ, मैं कुछ भी होने के लिए बातें नहीं हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए बातें नहीं हूँ, कुछ भी सोचने के लिए बातें नहीं। अगर माइंड में कोई थॉट आती है तो भी खुद को कहें रिलैक्स, थॉट को रोकना नहीं है, अगर चल रही है तो चलने दो, लेकिन आप कहोगे रिलैक्स,
थॉट अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि आप सोचने के लिए बातें नहीं हैं। आप कुछ समय के लिए ब्रेक पे हैं, छुट्टी पे हैं, आपको सोचना भी नहीं है, लेकिन थॉट को रोकना भी नहीं है, वो खुद ब खुद ही रुक जाएगी यार। बस पूरी तरह से आधा घंटे के लिए खुद को पूरी तरह से छुट्टी पे डाल दो, कुछ नहीं करना, जस्ट रिलैक्स। और ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ना तो मैंने कहीं पढ़ा है ना कभी सुना है, ये सब मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और चूंकि ये कहीं लिखी हुई पारंपरिक विधि नहीं है, इसलिए आप इसमें जो चाहे वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जो चाहे वो बदल सकते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जस्ट बी फ्री एंड रिलैक्स। अगर आप चाहें तो साथ में अच्छा सा म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है। कुछ भी, जो भी आप चेंज करना चाहें, आराम से करो, नथिंग टू वरी, जस्ट रिलैक्स। बस इसी चीज़ पर ध्यान देना है, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं रहना, किसी के लिए नहीं करना, बस फ्री हो जाना है। मैं भी सुनने में आपको बेकार सी बात लगे, लेकिन अगर आप रियल में इसे प्रैक्टिस करके देखोगे तो रिजल्ट्स लाजवाब होंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा, ये लगता है कि मेडिटेशन से सिमिलर सी है, लेकिन मेडिटेशन में हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, और कुछ ना कुछ करते भी हैं, और कुछ ना कुछ का गोल भी होता है। हम इसलिए मेडिटेशन करते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति और हो जाए, या फिर हमें भगवान मिल जाए, कुछ भी, हज़ार फालतू की चीज़ें जोड़ रखी हैं हमने मेडिटेशन से भी, तो शायद मेडिटेशन रहता ही नहीं। और फालतू की टेक्निक्स जोड़ रखी हैं कि ये करना है और इसलिए करना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री हो जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना, और ये आपको किसी के लिए भी नहीं करना। आपको कुछ करना ही नहीं, तो किसी के लिए करने ना करने का सवाल ही नहीं उठता। जस्ट रिलैक्स, बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे करने की कोशिश कहना भी गलत होगा, आप कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ समय के लिए अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं, पूरी तरह से फ्री, मुझे लगता है कि इससे आपकी पूरी लाइफ एकदम पॉजिटिविटी से भर जाएगी। और ना भी भरे तो भी टेंशन नहीं है, आप आधा घंटे के लिए तो फ्री हुए ना। अरे कोई गोल नहीं है, सिर्फ इसलिए फ्री होना कि पूरे दिन भाग भाग के जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते, इन थॉट्स को प्रोसेस करते करते, बॉडी और माइंड पूरी तरह से थक गया है। जस्ट रिलैक्स। इसका कोई रिजल्ट मिले या ना मिले, नो प्रॉब्लम। और यकीन मानिए, मैं तो जब भी ऐसा करता हूँ मज़ा आता है, तो मौसम फील होता है। कोशिश कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा, आपने जब कुछ भी ना करने की कोशिश की, जब आप रिलैक्स हुए, जब आपने खुद से कहा रिलैक्स, तो आपको क्या फील हुआ। ओके, आई लव यू ऑल, आई लव दिस नेचर, एंड आई लव एक्सिस्टेंस प्लेस। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जीवन में उपयोगी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत पाने के लिए।